Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year ke chapter number 1, jo ke about the measurements hai, humne last lecture mein system of units ke baare mein padha tha. Unme se ek system jisko hum aajkal use karte hain, system international aur SI bhi kehte hain. Ye system 1960 में establish हुआ था. 1960 में a committee on weight and measures agreed upon different sets of definitions and their standards to describe physical quantities. System International consists of three kind of units. एक बेस यूनिट्स, टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड थ्री डिराइव्ड यूनिट्स. क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की थी, दो तरह की होती हैं, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो इनके यूनिट्स भी बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स ही कहलाएंगे. लेकिन दो यूनिट्स ऐसे थे जिनके ऊपर वो कमेटी जो थी वो इत्फाक ना कर पाई कि उनको हम बेस यूनिट्स कहें या ड्राइव यूनिट्स कहें. ये दो यूनिट्स जो हैं इनका नाम सप्लीमेंट्री यूनिट्स रखा गया. आज तक डिसाइड नहीं हो पाया कि इनको हम बेस कंसीडर करें या ड्राइव कंसीडर करें. ये दोनों यूनिट्स supplementary units कहलाते हैं. Now let's define what are the supplementary units. The units which are not yet classified as base or derived units are called supplementary units. They are number 1 radian. Radian for plane angle. Number 2 steradian for सॉलिड एंगल, जो कि थ्री डायमेंशनल एंगल होता है. ये वो दो यूनिट्स थे, इनमें से एक रेडियन और दूसरा स्टीरेडियन. इन दोनों यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं. लेट्स डिफाइन व्हाट इज रेडियन and what is steel radian. Now what is radian? Radian is a plane angle. Radian is a plane angle between two radii of a circle which cut off on the circumference and
in length equal in length to the radius of the circle. Matlab, let us consider this is a circle we have. इस सर्कल का ये सेंटर और ये सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो उसका रेडियस है. सपोज इसको मैं ओ कहता हूँ, इसको मैंने ए पॉइंट कहा. सो ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है इसको रेडियस कहा जाता है. जितना इस सर्कल का रेडियस है उसके इक्वल हम इसके ये जो सर्कल का ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहा जाता है. इस सर्कमफेरेंस के ऊपर हम एक आर्क काटते हैं, कॉस काटते हैं, जिसकी लंबाई हमने सर्कमफेरेंस के जिसकी लंबाई हमने रेडियस के ऊपर रखनी है. सो ओ से लेके ए तक जितना ये डिस्टेंस है अगर उतना ही यहाँ इसके इक्वल हम एक कंपस एक प्रकार खोल के हम यहाँ से ऐसे आर्क लगा लें यू, तो ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है ये भी लेंथ ऑफ द आर्क इसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, और ये रेडियस के इक्वल हो और ओ को आप बी से मिला दो ये भी रेडियस है. सो ये ओ ए ये भी रेडियस है, ओ बी ये भी रेडियस है. इन दोनों को बोल कहते हैं ये दोनों रेडियाई हैं. इन दोनों रेडियाई के बीच में ये जो एंगल बना है ये वन रेडियन होगा, क्योंकि आपने जो लेंथ ऑफ आर्क ली है ये आपने रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल ली है. सो लेंथ ऑफ द जो आर्क है ए से लेकर बी तक इसको हम एस से भी नोट करते हैं, ये एस ये लेंथ ऑफ द आर्क है. जब लेंथ ऑफ द आर्क रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो तो दो रेडियाई के बीच में बनने वाला एंगल वन रेडियन कहलाता है. इसी डेफिनेशन को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, और व्हेन length of the arc is equal to radius of the circle then the angle between two radii of a circle is one radian. Mathematically S is equal to R theta. ये हम चैप्टर नंबर 5 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ये रिलेशन है लेंथ ऑफ द आर्क का, एंगल का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, और रेडियस का. एस इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा इज इक्वल यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ये एस ओवर आर. एस लेंथ ऑफ द आर्क है और आर रेडियस है. इफ एस इज इक्वल टू आर, if s is equal to r, s length of the arc जब r के बराबर होगी theta कितना होगा, theta is equal to s को r by r, r से r काट गया तो कितना आया आंसर 1, तो 1 क्या है 1 radian. ये theta जो होगा 1 radian होगा जब length of the arc radius of circle के इक्वल होगी. रेडियन जो है वो ऐसा यूनिट है, हम जानते हैं जो एंगल तो उसका यूनिट डिग्री भी होता है. तो रेडियन का और डिग्री का आपस में रिलेशनशिप क्या है ये याद रखिएगा. वन रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है. वन रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री. What is steel radian? No,
we are going to define steradian. Steradian is a solid angle. Steradian is a solid angle, mean three-dimensional angle, is a solid angle. Subtended at the center of a sphere. Kaise? By an area of its surface. By an area of its surface equal to, वो area किसके equal है? Equal to square of radius of the sphere. Let us consider we have a sphere now. पहले हमने circle लिया था, प्लेन एंगल को डिफाइन करते हुए हमें सर्कल लेना था. अब स्टेरेडियन को जब डिफाइन करना था हमें एक स्फीयर लेना. दिस इज अ स्फीयर. क्योंकि ये बोर्ड टू डायमेंशनल है तो इस पे आपको जो स्फीयर है वो एक सर्कल के तौर पे नजर आ रहा है. तो इसको मैं थोड़ा सा शेड कर लेता हूँ. ये एक्चुअली एक स्फीयर है, सर्कल नहीं. सर्कल जो स्फीयर होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, वो टू डायमेंशनल है. तो इसकी जो तीसरी डायमेंशन है वो नहीं बनाई जा सकती. तो आप ये सपोज कर लेंगे हमारे पास ये एक स्फीयर है, जस्ट लाइक फुटबॉल, जस्ट लाइक बैलून. अब इसकी जो सरफेस एरिया होता है ऊपर, जो सरफेस इसके ऊपर जो उसके ऊपर हम अगर इसका रेडियस, जितना भी रेडियस है, सपोज इसका रेडियस है आर, इस रेडियस का स्क्वायर ले और इसके ऊपर यूं आप इसकी सरफेस के ऊपर है या एरिया वाले इसको बोलते हैं आर स्क्वायर. अब इस आर स्क्वायर को आप पूरी सरफेस को आप सेंटर से मिलाते हैं, ऐसे हर तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर. तो इस तरह एक कोन की शक्ल बन जाएगी. ये सेंटर ओ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. इसलिए है कि ये जो आर स्क्वायर है ना, ये सरफेस के ऊपर है. ऐसे यहाँ पे आर स्क्वायर लिया गया है, सपोज ये मेरा हाथ है ऐसे, तो ये आर स्क्वायर लिया गया. तो इस आर स्क्वायर की जो सरफेस एरिया है, आर स्क्वायर के जो इक्वल एरिया है, इसको जब हम सेंटर से मिलाएंगे तो जो बनने वाला एंगल होगा ये 1 steradian होगा. तो 1 steradian उसकी कितनी वैल्यू होती है? इफ फाई इज अ सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R and surface area A, then solid angle is given by, वो क्या होगा, phi is equal to A by R square. जो A है सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर है, जो कि हमेशा 4πr² होता है ओवर r square से r square कट गया. phi इज इक्वल टू 4π steradian. तो सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है ऑलवेज 4π steradian होती है, वट एवर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज. आप सर्कल को, स्फीयर को आप बड़ा कर लें, आप छोटा कर लें, क्योंकि
एरिया जो है, आप इसमें देखो ये सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप एरिया को, रेडियस को डबल भी कर दो तो नीचे भी जो आर स्क्वायर ये भी डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेशियो भी कट जाएंगे। जो भी आप आर लोगे, ये आर का स्क्वायर और ये आर का स्क्वायर कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू हमेशा 4 पाई रेडियन ही आएगी। तो स्टी रेडियन की वैल्यू थी स्फीयर के लिए ऑलवेज 4 पाई रेडियन ही होती है।